हेलो भाई दी शाजवाशे। देखो ये ऐसा ही आएगा क्या जैसा ट्यूब में दिख रहा नहीं, सो आज हम लोग करने वाले हैं हेयर कलर, जो लाइटर शेड का ओम्ब्रे कलर होगा। ये आप देख सकते हो हमारे क्लाइंट का कलर से पहले का हेयर, इनका ऑलरेडी कलर किया हुआ है जो काफ़ी फेड हो चुका है और थोड़ा फेड हो के अनमैनेजेबल लुक आ गया हेयर पे। सो स्टार्ट करते हैं कलर, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शैम्पू। कलर से पहले जो शैम्पू होता है, क्योंकि इनके बालों पे थोड़ा सा सीरम और ऑयलिंग भी किया हुआ था, तो हम लोगों को शैम्पू बहुत अच्छे से करना है। और अगर ऑयल नहीं जा रहा है तो आप 2 बार 3 बार भी शैम्पू कर सकते हो। आपका हेयर क्लीन होना चाहिए कलर से पहले। नेप एरिया आप ख्याल करके वॉश करें ताकि वहाँ पे आपका हेयर छूट ना जाए पॉल्यूशन या ऑयल, अदरवाइज वहाँ पे आपका कलर में इशू हो सकता है। सो आफ्टर शैम्पू हम लोग स्टार्ट किया है ड्राई, और ड्राई करने के बाद फोर सेक्शनिंग जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, और जो ज़रूरी होता है कि आपका 4 सेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ताकि आपका काम करने में, आपका वर्क में ये बहुत आसानी होगा अगर आपका क्लीन सेक्शन होगा। सो आफ्टर सेक्शनिंग क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट किया। सो कलर अप्लीकेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग कलर अप्लीकेशन रूट्स छोड़ के करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लाइट शेड का कलर है, तो रूट्स पे हम लोग कुछ डार्क शेड का कलर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑल ओवर हेड पे रूट छोड़ के कलर अप्लीकेशन करेंगे, एंड ये कलर अप्लीकेशन होने के बाद हम लोग रूट्स पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग जो अभी कलर यूज़ कर रहे हैं, ये कलर हम लास्ट में, वीडियो का लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा कलर अप्लाई करने वाले किया है हम लोगों ने हेयर पे। हाँ, हम लोगों ने 30 वॉल्यूम यूज़ किया है, कलर मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताने वाला हूँ। सो ये आप देखें, एंड इसके बाद हम लोग अप्लीकेशन करेंगे रूट्स का कलर। सो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करे तो, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको हेयर कलर ये आप पूरा वीडियो देखने के बाद। सो ऑल ओवर हेयर पे हम लोग इसी तरह से रूट्स छोड़ के कलर अप्लीकेशन करेंगे, और ये कलर हम लोग 30 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए इनको। जो कलर इनका पहले से किया हुआ था वो थोड़ा फेड होके आप देख सकते हो कि थोड़ा कॉपर शेड पे आ गया है, कॉपर ब्लॉन्ड शेड पे है। इनको ये कॉपर टोन को रिमूव करना था, सो हम लोगों ने गोल्ड शेड पे कलर किया है। तो ये सेकेंड लास्ट सेक्शन अप्लीकेशन हो रहा है, इसके बाद हम लोग अप्लीकेशन करेंगे रूट्स पे, जो हम लोग 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ करेंगे। सो ये हमारा लास्ट सेक्शन अप्लीकेशन हो रहा है रूट छोड़ के मिडिल टू एंड्स। एंड हम लोग अप्लीकेशन करना स्टार्ट किया है रूट्स पे। रूट्स आप फ्रंट का हेयर जो होता है वो बहुत ही केयरफुली करें ताकि वहाँ पे आपका कोई सेक्शन या हेयर छूट ना जाए। अगर वहाँ पे आपका हेयर छूट जाता है तो वो इवन कलर नहीं दिखता है, पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आप रूट्स पे बहुत केयरफुली कलर अप्लीकेशन करें, कहीं छूट ना जाए, पैचेस ना दिखे, इवन कलर दिखना चाहिए। रूट्स एप्लीकेशन के बाद हम लोग कलर को रखने वाले हैं 35 to 40 मिनट्स। उसके बाद हम लोग करेंगे हेयर को वॉश, वॉश करेंगे। सो स्टे करना है हेयर पे। सो स्टार्ट किया हम लोगों ने शैम्पू। शैम्पू के बाद
हम लोग मास्क अप्लाई करेंगे जो 5 मिनट्स 3 to 5 मिनट्स हेयर पे स्ट्रे करेगा एंड देन वॉश करेंगे। आफ्टर वॉश हम लोग का थोड़ा सीरम अप्लाई किया है मिडिल टू एंड एंड ब्लो ड्राई स्टार्ट किया। सो हम लोग इनके ऊपर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने वाले हैं, हमारे क्लाइंट्स को स्ट्रेट ब्लो ड्राई पसंद है। सो स्ट्रेट ब्लो ड्राई के बाद हम लोग देखने वाले हैं लुक, फाइनल लुक, कलर कैसा आया है, कितना अच्छा आया है और कौन सा कलर यूज़ हुआ है। ये आपको अगर जानना है तो कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स में बताता हूँ। और वंस अगेन अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक आप मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Something different, at least for me. Really nice. Hair wash mode हो गया है, ऐसा चाहिए था।